friends, I'm Ashish and I welcome you all on KS Education Hub. This is the Daily Current Affairs Best MCQs for your upcoming exams for the 5th of September 2018 and it will cover the daily newspapers like the Hindu, the Indian Express. दोस्तों, the best MCQs का संकलन है यहाँ पर Hindu, Indian Express से जो महत्वपूर्ण questions हैं वो यहाँ पे डालने की कोशिश की गई है. ठीक है, इसमें आपका economics, sports, quality, English, environment से जो भी important question होता है उसे डाला गया है और ये कहीं से copied नहीं है, खुद से हमने मेहनत करके आपके लिए बनाया है ताकि आपको फायदा हो सके. ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही बना सकें. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है. ठीक है फ्रेंड्स, और इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से लगाओ. ठीक है, और जो भी आपका स्कोर होता है, जितने सही होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना. ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको भी हेल्प होगा और हमारे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज क्या है. पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज FDI इनटू इंडिया इन 2017-18. ठीक है, तो अभी अभी RBI का रिपोर्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग उसमें बताया गया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में तो इंडिया के लिए टॉप सोर्स कौन रहा. ठीक है, तो वो बताना है 2017-18 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कौन सा देश शीर्ष स्रोत रहा है. ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है ये सब. ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रिकलेक्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो पॉज करके आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो मैं अभी देखते बताता हूँ आंसर क्या है. ए यानी कि मॉरिशस. ठीक है, मॉरिशस इज द टॉप सोर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PMXFC2 क्या है. PMXFC2 is what is it. So we have options like the whether it is the hybrid of mulberry silkworm or it is the hybrid of tusser silkworm or is it the hybrid of airy silkworm. ठीक है, ये सेरिकल्चर यानी सिल्क वाले से रिलेटेड है. ठीक है, आपको बताना है ये जो PMXFC2 है यह एक हाइब्रिड तैयार किया गया है, किस सिल्कवर्म का ये हाइब्रिड है, मलबरी का या तसरी का या फिर एरी का. ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं. आंसर है ए यानी कि PMXFC2 इज द हाइब्रिड ऑफ मलबरी सिल्कवर्म. ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट वन, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं या फिर दोनों करेक्ट हैं या फिर दोनों रॉन्ग हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स यू हैव टू टेल व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और वेदर बोथ आर करेक्ट. ओके, सो स्टेटमेंट वन इज कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी दैट इज UN क्लॉज वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1982. ओके, तो ये बोल रहा है कि पहला 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो UN क्लॉज अपनाया गया था. ठीक है, और स्टेटमेंट टू टेल्स दैट इट लेफ्ट द हाई सीज फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, हाई सीज वेर नॉट कंसिडर्ड, दे वेर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस. ओके, तो इसमें जो है वक्तव्य दो क्या है कि ये जो UN क्लॉज था इसमें उच्च समुद्रों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया था. ठीक है, तब आपको बताना है क्या यह दोनों स्टेटमेंट सही है. ओके फ्रेंड्स, यू कैन पॉज द वीडियो, आंसर देखते हैं. आंसर है सी यानी कि दोनों स्टेटमेंट, दोनों वक्तव्य जो है वह सही है. ओके, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द कन्वेंशन जो द UN क्लॉज कन्वेंशन, ओके, द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी दैट वाज अडॉप्टेड इन 1982 बट इट टुक इफेक्ट इन 1994. ओके, बट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिड नॉट रेटिफाई द दिस UN क्लॉज. ठीक है, तो USA जो है इस कॉन्वेंशन में, ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें जो है उसने भाग नहीं लिया था. ठीक है, वो इसमें अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करा था. ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास. स्वच्छ भारत अभियान, तो आपको पता है SBA. स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन व्हेन, वी हैव टू आंसर व्हेन वॉज दिस स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड. ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया था. वी हैव ऑप्शंस लाइक दीज फ्रेंड्स, लेट्स सी द आंसर. आंसर इज डी दैट इज 2nd of October इन 2014. इस डेट को 2000
14 के 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या देखते हैं। नील कुरिंजी, ब्लूम्स ओनली वंस इन एवरी 12 इयर्स, वेयर टू फाइंड देम। ठीक है, तो नील कुरिंजी जो है यह हर 12 साल में केवल एक बार खिलते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा जो वह इलाका है वह भर जाता है इन फूलों से और पूरा पूरा इनके कलर में दिखता है। ठीक है, और वे कहाँ पाए जाते हैं यह आपको बताना है। तो ये ऑप्शंस है आपके सामने, आंसर देखते हैं। ए यानी कि केरला। ठीक है, तो केरला में ये जो है इस साल 12 सालों के बाद ये फिर से नील कुरिंजी जो है ये खिल पाए हैं, और जिसके वजह से ये जो मुन्नार का इलाका है वहां पे पूरे के पूरे जो वादियां हैं वो ब्लू ब्लू दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और यह जो है वहां के टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और केरला से चलो, अभी तो फ्लड आया था, तो एक ये गुड न्यूज है कि जो फाइनली जो वेट था 12 सालों का वह पूरा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अराकू वैली इज इन, वेयर इज अराकू वैली, अराकू घाटी जो है वह कहां पर है, कहां पर स्थित है। तो ये ऑप्शंस तो आपके सामने हैं, ये आप बताओ कौन सा होगा। देखते हैं आंसर। आंसर इज बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। अराकू वैली इज इन विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट में अराकू वैली है। यह बहुत ही पॉपुलर है टूरिज्म के हिसाब से, और टूरिस्ट जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन्हें विस्टाडोम कोच भी है इंडियन रेलवे का, जिसमें कि वो जो है पूरा शीशा का होता है, जिससे वैली को अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, टूरिस्ट कैन एंजॉय द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ द वैली फ्रॉम लार्ज विंडोज ऑफ द विस्टाडोम कोच ऑफ इंडियन रेलवे ऑन द वे टू अराकू। ठीक है, विस्टाडोम कोच याद रखना कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ओके, दैट इज नेक्टर, इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी सेट अप अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको बताना है कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, यानी नेक्टर एक स्वायत्त संस्था है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित है। इसका मुख्यालय कहाँ है यह आपको बताना है। ठीक है, देहरादून है ऑप्शन में, ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश है, शिलोंग है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें इनमें से कहाँ पर है। आंसर है शिलोंग इन मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्टर का हेडक्वार्टर है शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो सी लेवल फार्मलैंड्स ऑफ डैश वेयर डिक्लेयर्ड अ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये बिलो सी लेवल फार्मलैंड्स जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का दर्जा दिया गया था इसे। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा इस जगह के यानी यहाँ की कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया था। तो यह जगह कहाँ पर स्थित है, क्या वह सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल है, या फिर अपातानी प्लेट्यू इन अरुणाचल प्रदेश, या फिर कुट्टानर इन केरला है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं दोस्तों। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रिकलेक्ट एंड आंसर दिस। फ्रेंड्स, आप पॉज करके आप याद करने की कोशिश कर सकते हो कि क्या था इसका आंसर, क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, और उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, बट फ्रेंड्स प्लीज मेंशन योर स्कोर एंड लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वर एबल टू करेक्ट इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो आंसर इज सी, दैट इज कुट्टानर इन केरला। ठीक है, यहाँ पर के जो ये फार्मिंग प्रैक्टिस है ये सी लेवल से भी कम ऊंचाई पर होता है, तो बिलो सी लेवल फार्मलैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, और इनको जो है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का दर्जा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस
डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, ठीक है। ये फ्रेंड्स इंडिया का प्रीमियर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इसका मैंडेट क्या क्या हो सकता है, इनमें से आपको क्या लगता है कौन कौन सा इसके काम के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता है, यही क्वेश्चन आपको बताना, यही आंसर है बताना आपको। राजस्व आसूचना निदेशालय, ठीक है, यानी DRI भारत की एक प्रमुख खुफिया एवं जांच एजेंसी है। इसका अधिकार क्षेत्र इनमें से कौन कौन सा है यह बताना है आपको, तो कॉम्बैटिंग स्मगलिंग ऑफ गोल्ड फॉरेन करेंसी एंड फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है। तो गोल्ड का या फिर विदेशी मुद्रा हो गया या भारत का जो फेक करेंसी है, ठीक है, उन सब का स्मगलिंग को रोकने के लिए इस, या फिर वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जीव जंतु उनका स्मगलिंग को रोकने का काम, या फिर रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने का काम, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये बताना है आपको। तो आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे जो हैं DRI के मैंडेट में है। ऑल ऑफ दिस आर द मैंडेट आर विद इन द मैंडेट ऑफ DRI, सो ऑल दीज थिंग्स आर taken care by DRI, ठीक है। It also combats smuggling of gold, foreign currency, fake Indian currency notes, as well as it combats the smuggling of wildlife and wildlife products, and also protects the revenue of the government. Okay, friends, तो ये जो तीनों है, ये smuggling को रोकने के लिए wildlife जो जीव जंतु है उनके smuggling और gold foreign विदेशी मुद्रा के स्मगलिंग या फिर भारतीय मुद्रा का फेक जो होता है उसको रोकने का, वो सब सब जो है इसके कार्य क्षेत्र में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या है क्वेश्चन हमारे पास, बेडाक्विलिन इज अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट विच ऑफ दीज डिजीजेस, ठीक है। तो बेडाक्विलिन जो एक दवा है वह किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आंसर देखते हैं, आंसर ए है यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो बेडाक्विलिन है, इट इज अ मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस एंड इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस व्हेन अदर ट्रीटमेंट्स कैनॉट बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, साहेल रीजन इज इन, ये आपको बताना है कि साहेल क्षेत्र कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस में अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर देखें, आंसर ये रहा आपके सामने ए यानी कि अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का एक नॉर्दर्न पार्ट में जो एक रीजन है कुछ कंट्रीज का, उन्हें मिलाकर हम साहेल क्षेत्र कहते हैं, यानी साहेल रीजन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन, ओके फ्रेंड्स। तो these were the questions, I hope you people liked the questions, okay, and ye bahut mehnat se hum khud se banate hain friends, these are not copied from anywhere, just for you so that you get benefited, and such type of questions come in the exams, so this will be very helpful for your upcoming exams. Please like the video, share with your friends, and also subscribe to our KS Educational Hub channel, which will be a great motivation for all of us, okay friends. So you can also download the PDF from our Facebook page as well from our Telegram group, so please join this Telegram group, you can get important information from there.